उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष नवीन पटनायक देश में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले दूसरे शख्स बन गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 23 साल 4 महीने और 19 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने मशहूर वाम नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस मामले में पटनायक से आगे अब सिर्फ पवन कुमार चामलिंग रह गए हैं, जो लगातार 24 साल 165 दिनों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन है नवीन पटनायक, चलिए अब इसकी भी बात कर लेते हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के ही पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल के दिग्गज नेता रहे बीजू पटनायक के बेटे हैं। वो भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे, उनसे छोटी एक बहन है। नवीन पटनायक ने मशहूर दून स्कूल से पढ़ाई की है, बाद में उन्होंने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की और संजय गांधी उनके क्लासमेट थे। नवीन पटनायक एक ऐसे राजनेता है जिन्हें अपनी मातृभाषा यानी उड़िया भी बोलना नहीं आता था। नवीन पटनायक को लोग स्कूल के दिनों से ही प्यार से पप्पू कहकर बुलाया करते थे। दून स्कूल में उनके साथ ही उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। उनका बचपन और युवावस्था राजनीति और मातृभाषा उड़िया की छाया से दूर बीता। जवानी न्यूयॉर्क में हाई प्रोफाइल पार्टियों में ही बीती। नवीन पटनायक के जीवनी लिखने वाले रूबेन बैनर्जी बताते हैं कि आर्ट्स और कल्चर में नवीन पटनायक की बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी। वो यूरोपीय लहजे में अंग्रेजी बोलते थे। उन्हें डनहिल सिगरेट से बहुत प्यार था और वो फेमस ग्राउंस व्हिस्की के बहुत शौकीन थे। अब राजनीति में एंट्री की बात करें तो अप्रैल 1997 में जब पिता बीजू पटनायक का देहांत हो गया, तब बड़े भाई प्रेम पटनायक और बहन गीता पटनायक के राजनीति में कदम रखने से इनकार करने के बाद नवीन पटनायक ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1997 में पिता के संसदीय क्षेत्र अस्का से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने। 51 साल की उम्र में पिता की राजनीतिक विरासत संभालने वाले नवीन पटनायक को पार्टी के अंदर और बाहर के लोगों ने पप्पू समझना शुरू कर दिया। लेकिन उसी साल उन्होंने पिता के खास लोगों के साथ मिलकर बीजू जनता दल का गठन किया और जब 2000 में उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। बस फिर क्या था, पिछले 23 साल से वो उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब तक पिता बीजू पटनायक जिंदा रहे, नवीन पटनायक का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। वो दिल्ली में रहते थे और पार्टी सर्किट में उनकी अच्छी पहुंच थी। दिल्ली के मशहूर ओबेरॉय होटल में नवीन बाबू का एक बुटीक होता था। उन्होंने 1988 में आई मर्चेंट आइवरी के फिल्म द डिसीवर्स में एक छोटा सा रोल भी किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन कैनेडी से उनकी गहरी दोस्ती थी। कैनेडी ने उनकी 3 कॉफी टेबल बुक को एडिट भी किया था। साल 1983 में जब वो भारत की यात्रा पर आई थी तो नवीन उनके साथ जयपुर, जोधपुर, लखनऊ और हैदराबाद गए थे। नवीन पटनायक जब पहला चुनाव लड़ रहे थे तब उन्हें भाषण देना भी नहीं आता था, वो उड़िया भी नहीं बोल पाते थे। तब उन्हें रोमन में उड़िया लिख कर दिया जाता था, जिसे वो बहुत मुश्किल से पढ़ पाते थे। उड़ीसा के लोगों को नवीन पटनायक की यही अदा पसंद आई। वो राजनीति में सादगी की एक मिसाल है। देश में नवीन पटनायक जैसे बहुत ही कम राजनीतिज्ञ हैं। कहा जाता है कि जब नवीन पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री बन गए तब उन्होंने पार्टी में नंबर 2 के नेता रहे बिजॉय महापात्रा का टिकट काट दिया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बहुत कम बोलने वाले नवीन पटनायक ने बिना हल्ला बोले, बिना हंगामा किए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को चुपचाप किनारे लगा दिया था। और इसी तरह की राजनीतिक अवस्था के साथ, इसी राजनीतिक कैरेक्टर के साथ नवीन पटनायक उस रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे हुए हैं जो राज्य के सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहने का है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।